स्टॉक मार्केट कमज़ोर हो रहा है। कल वीडियो में रिकॉर्ड किया था, मैंने बताया था कि कैसे डॉलर इंडेक्स जो है वो हल्का हल्का स्ट्रांग हो रहा है, जिसके कारण ओवरऑल मार्केट के अंदर में वीकनेस दिख रही है। आज मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया, ओवरऑल इंडेक्स के अंदर में बड़ा फॉल नहीं है, लेकिन कुछ सेक्टर से इनमें अच्छा खासा फॉल आया, और सबसे ज़्यादा फॉल आया है मेटल इंडेक्स के अंदर में। मेटल इंडेक्स, क्योंकि अगर डॉलर मजबूत होता है तो मेटल्स करेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली मेटल्स अगर करेक्ट करेंगे तो मेटल स्टॉक्स के अंदर में भी करेक्शन आएगा। तो ये जो लॉजिक है ना, ये डॉलर, कमोडिटीज़, इक्विटी, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, ये एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम सही बैठता है। कभी कभी इनमें भी डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो बट उस समय एक्चुअल में ट्रेड नहीं करना चाहिए। बट अभी का जो समय है मार्केट के अंदर में, डॉलर, कमोडिटी, इक्विटी, इन सबको अगर होलिस्टिकली रूप में आप देखें तो एक क्लैरिटी है कि मार्केट के अंदर में थोड़ी वीकनेस आ गई है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट के अंदर में वीकनेस है नहीं। अगर आप देखोगे इंडेक्स के अंदर में, निफ्टी वगैरह में इतना वीकनेस नहीं है। तो पैसे क्या करें, मिड कैप, स्मॉल कैप से आप पैसे निकल के लार्ज कैप के अंदर में जा रहे थे। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जहाँ मैंने बताया था कि रिलायंस, SDFC टाइप के जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज जो स्मॉल कैप मिड कैप में एग्रेसिव रैली आई थी, ऑब्वियसली वो रैली कूल ऑफ करेगी, और कूल ऑफ करने के बाद में वापस से एक बिल्डअप करेगी अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तेजी का व्यू अभी भी है तो, जो कि मुझे लग रहा है अभी भी है। शॉर्ट टर्म में वीकनेस है तो पैसे स्मॉल कैप मिड कैप से निकल के मोस्ट लाइकली लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ अब जा रहे हैं। इस सीनेरियो के अंदर में हमको क्या करना चाहिए, अगर मार्केट वीकिश है और हमको फिर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बिकॉज मार्केट कब रिवर्स कर जाएगा किसी को नहीं पता है, अगर हमको फिर भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो एक तरीका है मेरे पास में, एक थॉट प्रोसेस है कि जो कंपनीज पिछले कुछ क्वार्टर से अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है फाइनेंशियली, उन कंपनीज के ऊपर में एक सेफ्टी नेट है, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है आपके पास में, तो चांसेस कम है कि वो कंपनीज नीचे एग्रेसिवली गिरेंगी। तो रिपीट कर रहा हूँ कि जो कंपनीज में पिछले एक क्वार्टर में फिनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, जब भी हम फिनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमेशा पिछले क्वार्टर से पिछले साल के उस क्वार्टर को कंपेयर करना चाहिए, तो जो जो कंपनीज ये बेटर फिनेंशियल परफॉर्मेंस दे रही है उन कंपनीज पे हमको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टॉकेज यूज़ करते हैं और वो कंपनीज निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने माई स्टॉकेज में जाता हूँ, वहाँ पर मेरा कॉम्बिनेशन स्कैन्स में जाता हूँ। तो एक कॉम्बिनेशन स्कैम मैंने बना रखा है, फिनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन। इसका मतलब वो कंपनी जिसमें फिनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है और प्राइस एक्शन भी सजेस्ट कर रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आता है। मैंने क्या क्या पैरामीटर डाल रखे हैं, जो पिछले दिन से हाई में है स्टॉक्स, इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एक हफ्ता और तीन महीने का पीरियड पे सेक्टर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इम्प्रूव्ड रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब उनका फाइनेंशियल्स बेटर हुआ, इम्प्रूव कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड बेटर हुआ है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ बेटर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है कंपनीज मतलब इनका परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो मैं स्टॉक्स का अगर लिस्ट देखूँ तो परफेक्ट मैच में कोई भी नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट देयर के अंदर में मेजर स्टॉक्स में ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पे मैं ध्यान दे सकता हूँ। अब ये सारे स्टॉक्स का मैं टेक्निकल स्टडी करूंगा, मैं देखूंगा कि क्या ये स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, क्योंकि RS वाइज, प्राइस स्ट्रेंथ वाइज इनमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में चार्ट में कहाँ इनके अंदर में स्ट्रेंथ है और मैं कहाँ काम कर सकता हूँ एक बार मैं चार्ट में देखूँ। तो मैंने ये सारे स्टॉक्स को यहाँ पर एक वॉच लिस्ट में डाल दिया है। तो अगर अल्फाबेटिकली इसको देखूँ तो Alkem, अब आप देखिए Alkem कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और 2 hourly चार्ट के अंदर में भी स्ट्रेंथ बरकरार है। तो ये सब स्टॉक्स जब अपने एक डिमांड जोन के पास में आए वहां पर एक छोटा अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर मार्केट रिकवर करेगा तो इनके रिकवरी करने की चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन वाइज भी स्ट्रांग है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाइज भी इन स्टॉक्स ने अच्छा रिकवरी दिखाया है। Alkem, चंबल फर्टिलाइजर, अब देखिए इट्स ऑल्सो वन ऑफ दो स्टॉक्स। ये स्टॉक कोरोमंडल इंटरनेशनल नहीं, देखिए यह वीक स्टॉक है, 2 hourly डेली के अंदर में भी वीकनेस है, तो मैं इसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर लाल पैथलैब स्ट्रेंथ दिखा रहा है और कहीं ना कहीं वो 2 hourly सपोर्ट जोन के पास भी आ रहा है, तो इसको भी देखा जा सकता है। मेट्रोपोलिस नहीं, माइंडट्री, वाव लुक एट दिस स्टॉक। सो आप देखिए हमेशा क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं
और जिनके फिनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छे होते हैं, चांसेस हाई होते हैं कि वो यहाँ से रिकवरी दे दे अगर उनमें स्ट्रेंथ कंटिन्यूड होती है। तो माइंडट्री के अंदर में वैसा एक सेटअप दिखाया गया। नेस्ले इंडिया, क्या बात है, ये देखिए कितनी स्ट्रेंथ। अभी तो आज FMCG पूरा सेक्टर के अंदर में रिकवरी आई है, तो चांसेस है कि ये यहाँ से रिकवरी को कंटिन्यू कर ले। फ्राइजर 2 आवर्ली चार्ट में वीकिश है, डेली चार्ट के अंदर में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। टोरेंट फार्मा डेली चार्ट में स्ट्रांग है, 2 आवर्ली चार्ट में वीकिश है। UTI AMC इज काइंड ऑफ स्ट्रांग। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं, इससे हम सीख रहे हैं कि अगर आप अपना स्टॉक लिस्ट बनाएं, जो कि आप स्टॉकेज के स्कैनर्स यूज करके आप अपना एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं और वो स्टॉक लिस्ट बना सकते हैं, उससे अगर आप स्टॉक को ट्रैकिंग में डालें और अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और अच्छा कर रहा है और उसमें हम एक प्राइस पॉइंट पे एंट्री करें विद अ स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है दोस्तों, विद स्टॉप लॉस अगर हम एंट्री करें तो चांसेस है कि हमको एक अच्छा अपसाइड रिटर्न मिल सकता है इन सब स्टॉक्स में जब मार्केट रिकवर करेगा। और सपोज अगर मार्केट रिकवर नहीं करता है तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस तो है ही। मेरा मॉडल है वो आप देख सकते हैं कि 2 आवर्ली चार्ट में एंट्री करिए और 2 आवर्ली में स्टॉप लॉस लगाइए। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं है, होने दीजिए, एटलीस्ट हम मार्केट में तो है, नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो हम वो स्टॉप लॉस को रिकवर कर लेंगे और पैसा बना लेंगे। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना खुद का एक सेटअप क्रिएट कीजिए, जैसे मैंने कर रखा है। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा कूल रहता हूँ, थोड़े पैसे लग भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, बिकॉज इतने साल से देख रहा हूँ मार्केट में पैसे लगते हैं और फिर बाद में और आ जाते हैं। तो ये जो पैटर्न है मार्केट में ग्रोथ का, वो ग्रोथ मैंने भी देखा है, बड़े बड़े लोगों ने देखा है, आप भी देख लेंगे। तो घबराइए मत लॉस से, जो होना है वो होगा। आपका जो प्रोसेस है इसको आप सेट करिए। अभी मार्केट का प्रोसेस बहुत सिंपल है, टॉप ऑफ द व्यू मार्केट बनाइए, हर फ्राइडे सैटरडे को व्यू बनाइए, उसके बाद स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए और उसमें एंट्री और एग्जिट का जो आपका मॉडल है, मेरा RS है, आपका कुछ और हो सकता है, आपका मॉडल को यूज करके मार्केट में पार्टिसिपेट कीजिए। आशा कर रहा हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा आपको और मेरे वीडियो को लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं मार्केट में हूँ कई सालों से और मुझे समझ में आता है मार्केट में चलता क्या है। तो मुझसे जुड़िए और मुझसे मार्केट की सही तरीके से एनालिसिस करने का तरीका सीखिए। बाय बाय दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना और वीकेंड एंजॉय कीजिएगा, जो हो गया मार्केट, नया वीकेंड है, इसको पूरा संपूर्ण एंजॉय कीजिए। मंडे फिर देखेंगे मार्केट में क्या होने वाला है और फिर तैयारी करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।